हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू बैक माय चैनल एंड मैं हूँ सारिका। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। जी हाँ, धीरे धीरे मैं सब बताऊँगी। मैं आज बनाने वाली हूँ सोयाबीन राइस, जो मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है। एंड यहाँ पे मैं पहले डालूँगी राई, यानी कि क्या बोलती, मोहरी, मराठी में मोहरी बोलते इसे। एंड ये जीरा, क्यूमिन सीड्स, यहाँ पे थोड़े से लौंग है, 4 से 5 लिए मैंने। यहाँ पे 3 से 4 मैंने दालचीनी लिए है। यहाँ पे थोड़े से ब्लैक पेपर लिए, मतलब मेरे लिए हैं, काली मिर्च। एंड यहाँ पे 3 से 4 तेज पत्ता लिए है, ये करी पत्ता लीव्स है। उसके बाद जाएगा यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मैंने घर पे पेस्ट करके लिया है, रेडीमेड नहीं है। इसमें अदरक है, लहसुन है एंड कोरिएंडर लीव्स है। एंड ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च लिए है, एक टोमेटो लिया है मीडियम साइज़ का। यहाँ पे ये हरी धनिया है, जो बाद में हम ऐड करेंगे सोयाबीन डालने के बाद। एंड ये यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इस राइस का, मतलब मसाले भात, हमारे यहाँ पे इसे सोयाबीन सा मसाले भात ऐसे बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही बढ़िया बनता है ये राइस। तो ये जो राइस है ना, इसमें मेन जो है वो सोयाबीन है। उसके बाद अच्छे से फ्राई होगा ये हमारा राइस, जो कि मैंने, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो मेरा कप जो है, तो उससे मैंने ये 2 कप लिया है, तो 4 कप इसमें पानी जाएगा। थोड़ा सा आधा कप मैं इसके सोयाबीन के लिए डालूँगी, ताकि सोयाबीन जो है ना वो पानी थोड़ा सा सोख लेता है, तो इसलिए आधा कप मैं एक्स्ट्रा डालूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बनाते हैं सोयाबीन राइस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे कुकर गरम करने के लिए ऑलरेडी रखा था। इसमें डालूंगी मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल, इस और एक डालती हूँ। इसमें बाद में हम लोग थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, तो ज्यादा नहीं लगेगा। खड़े मसाले हमारे जो सारा सब ऐड होंगे इसमें, थोड़ा सा मीडियम गैस करके मैं, फिर जाएगा इसमें हमारा प्याज, इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे मसाले गल ना जाए। खड़ा खान बन दो हमारा, इस भी एकदम नक्की फ्राई करूँ लगा। और इसमें डालूंगी मैं ढेर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे पहले मैं हरी मिर्च डालती हूँ, ताकि टेस्ट अच्छा आता है। हरी मिर्च को मैंने कट करके नहीं लिया, तो मैं ऐसे थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। ऐसे हरी मिर्च को बीच में से थोड़ा सा कट करना है, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा वैसे वहाँ पर टीवी देख रहे हैं, उसका फेवरेट सीरियल लगा है, क्या बोलते हो, पेपा पिक, उसका बहुत है। उसके साथ साथ मुझे भी आदत लग गई इस तरह सीरियल देखने का, कार्टून। एंड ये मैंने यहाँ पे 10-15 लहसुन की कलियाँ लिए थी, 2 टुकड़े अदरक के लिए थे, थोड़े से बड़े वाले लिए थे, ज़्यादा मसाले हमें भूनने नहीं है। फिर इसमें जाएगा हमारा टोमेटो, अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी स्किप कर सकते हैं। फिर जाएगा इसमें हमारा करी पत्ता लीव, जो कि जलेगा नहीं, ये मसालों को हम अच्छे से पकाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी लेती हूँ, तो हमारे मसाले जो है अच्छे से पक गए हैं। तो इसमें डालूंगी मैं पहले सोयाबीन डालूंगी, मैं मेरे पुलाव के लिए या फिर बिरयानी के लिए कोई भी, मतलब मैं बाहर से मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट कभी कभी ना मैं सुहाना मसाला जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब बिरयानी मसाले होते हैं तो वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसे हम अच्छे से फ्राई करने देंगे। ये ऐसे भी सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ये सोयाबीन की, जैसे मैंने अभी बनाया है ना वो वाला। नमक मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी,
जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसमें मैंने अदरक लहसुन एंड सॉरी कोरिएंडर लीव्स का पेस्ट बनाया था, उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा हल्दी, ताकि एकदम येलो येलो वाला अच्छा सा राइस बने। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी इसमें डालेंगे हम 2 कप हमारा चावल, इसे भी हम लोग अच्छे से पकाएंगे। मतलब पहले मसालों में एंड ऑयल में फ्राई करेंगे। मैंने इसमें सोयाबीन ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो सोयाबीन है वो बहुत पसंद है। कप के मेजरमेंट से ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी, बट मुझे अभी इसका अंदाज हो गया है तो मैं ऐसे ही पानी डालूँगी। ये देखिए, ये मेरा इसमें 1 कप हो गया, तो मैं इसमें डालती हूँ। तो ये मेरा 4 कप पानी है, ये इसमें ऐड होगा। थोड़ा सा हम लोग चावल को रोस्ट कर लेते हैं, मतलब ऑयल में फ्राई कर देते हैं, ताकि राइस जो है हमारा अच्छे से खिला खिला बन जाए। तो अभी इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि स्वरा के पापा ने डाल दिए ज़्यादा घी। ये देखिए ये वाला घी, इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में। अबे हमारे चावल जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे पानी, एंड आज मैं सीटियाँ थोड़ी सी कम ही लूँगी क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वो खिचड़ी बनाई थी काली मूँछ की, काली मूँछ राइस है, तो उस टाइम थोड़ा सा वो नीचे से लग रहा था। वो बात अच्छी है कि मुझे नीचे का जो जला हुआ होता है वो पसंद है। तो चलिए हम लोग डालते हैं ये पानी, एंड इस बार थोड़ा सा पानी मैं ज़्यादा ले रही हूँ, 1/2 कप, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 कप मैं मेजरमेंट से डालती हूँ, बट इसमें मैंने 4.5 कप डाले हैं पानी, वो भी अंदर से ही डालना है। तो अब हम इसे अच्छे से पकने देते हैं। इसमें डालते हैं हम लोग थोड़ी सी हरी धनिया, बाद में थोड़ी डालने के लिए रख देंगे। तो कुकर का जो ढक्कन है तो उसे लगा देते हैं हम, एंड 4 से 5 सीटियां कर देंगे इसके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, जब हमारी 4 सीटियां हो जाएंगी तब। आवाज थोड़ा सा कमी करता है क्या टीवी सा? मेरे घर की बच्चा पार्टी, क्या खुशबूदार राइस बना है ये देखिए। किसका किसका मन कर रहा है सच में बतावा राइस खाने का? थोड़ा सा हरी मिर्च भी लेती हूँ, अच्छा लगेगा डेकोरेशन के लिए। वैसे ये मुझे डेकोरेशन वगैरह नहीं आता है, जैसे चाहे वैसे आएगा ना राइस, वैसे लेके जाती हूँ, लेती जाती हूँ। सजाने के लिए थोड़ा सा पा, वैसे इसकी जरूरत नहीं, निकाल के सब लोग रखते हैं। ये देखिए, ये बन गया हमारा टेस्टी डिलीशियस राइस, है ना एकदम खुशबूदार, खा के ही बताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं मैं आपको थोड़ी देर में।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर रेडी है सोयाबीन राइस। इसे आप लोग सोया पुलाव कह सकते हैं, सोया खिचड़ी कह सकते हैं, सोया मसाले भात कह सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मसाले भात, हर चीज़ को मसाले भात, वांग्याचा मसाले भात, सोयाबीन सा मसाले भात, कांदा टोमेटो सा मसाले भात, बटाटे सा मसाले भात, ऐसे सब कुछ बोलते। बहुत अलग एंड बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। ये मेरी एक फ्रेंड है तो वो बंगाली है, वो बहुत ही अच्छा बंगाली बोलती है। मुझे उसका समझ में कुछ नहीं आता है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी बहुत ही स्वीट आवाज़ भी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बनकर रेडी है हमारा राइस। अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडी है तो ठंडी में गर्मा गर्म राइस खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोगों में से किस किस को सोयाबीन पसंद है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, मैं आगे से सोयाबीन की बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, एंड एक लाइक तो बनता है यार। तो चलिए इस रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर करना, एंड अभी हम लोग करते हैं एंजॉय हमारा डिनर। आप भी आइए हमारे साथ डिनर करने के लिए, एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, दिल दिन बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।